हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम टू साथ सागा इंडिया। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट स्पेशल मॉनसून इडली, और वो भी रेनबो कलर की। ये बच्चे इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनको टिफ़िन में भी इसे दे सकते हो। ये इडली को हम ट्विस्ट देके बनाएंगे। ये स्पेशल है ही रेनबो कलर की, और उसे और ट्विस्ट देंगे तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी और बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। तो चलिए, ये रेसिपी किस तरीके से बनती है आज हम देखते हैं। ये रेसिपी आपको बनाने के लिए इक्वल क्वांटिटी में आपको सिंपल रवा लेना है, सूजी रवा, जो उपमे के लिए आप यूज़ कर सकते हो। और उसको आधा कटोरी, एक कटोरी अगर रवा लेते हो तो आधा कटोरी आप उसमें दही ले लीजिए, और उसको 15 मिनट आप भिगा दीजिए। भिगाने के बाद उसमें आप इस तरीके से ऑर्गेनिक कलर यूज़ करिए। तो ये पांच तरीके से ऑर्गेनिक कलर जो आप देख रहे हो वो है पालक, कैरेट, हल्दी का और बीटरूट का, और एक सिंपल वाइट बटर। ये सब बनाने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है 1/4 ईच टेबल स्पून, आप देख रहे हो इनो डाला है मैंने, ताकि हमारा बैटर फ्लफ़ी बने और अच्छी तरीके से फूले जब हम इसे इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो ये देखिए, मैं इसको इस तरीके से इनो डालने के बाद आपको घुमाना है, और ये अच्छे से मिलने के बाद बैटर फ्लफ़ी हो जाएगा। इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले आप क्या करिए, इडली मोल्ड को अच्छी तरीके से ऑयल से ग्रीस कर दीजिए। फिर सारे बैटर जो है आपको वन बाय वन करके जो इडली मोल्ड में ट्रांसफ़र करने हैं। इडली मोल्ड पूरा ना भरिए, क्योंकि फूलने के लिए उसे जगह भी चाहिए। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको पूरा भरना है। इसमें जो कैरेट का बैटर है आपको सेंटर में ऐड करना है, क्योंकि कैरेट पकने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा समय लगता है, 2-3 मिनट, कंपेयर टू बाकी सब जो इंग्रेडिएंट है, पालक वाला, बीटरूट वाला, हल्दी वाला। तो अच्छे से ट्रांसफ़र करने के बाद हम ये जो मोल्ड को एक बार टैप कर देंगे, क्योंकि ये अच्छे से फूल जाएगा। तो हमारा मोल्ड भर गया है, एक बार इसे हम इसे टैप कर देते हैं इस तरीके से। और आपको फिर इसमें ट्रांसफ़र करना है बॉइलिंग वाटर के ऊपर। तो ये इडली मोल्ड है, वो इडली मोल्ड में ही ये सारे यूनिट आपको मिल जाता है पूरा। नहीं भी मिलता है तो सिंपल बर्तन में आप रख सकते हो। तो पानी बॉईल होने के बाद ही आपको इसमें रखना है, उसके पहले आपको रखना नहीं है। ये तकरीबन 15 मिनट में आपको गर्म करना है। 15 मिनट मींस उसमें आपको 10 मिनट हाई हीट पे और 5 मिनट लो हीट पे इसे आप पकाइए। पकाने के बाद लेड निकालने के बाद देखिए, कुछ इस तरीके से सुंदर सी इडली रेनबो कलर की रेडी हो गई है। तो ये रेनबो कलर की इडली देखो, फ्लफीनेस आप आँखों से ही देख सकते हो, कितनी सॉफ्ट बनी है। सॉफ्ट के साथ साथ ये पोरस भी बनी है। तो ये जो है हल्दी का इडली मैं निकाल रही हूँ, और इसमें जो आप रेड स्पॉट देख रहे हो ना, ये हल्दी के ही है। जहाँ जहाँ पे हल्दी अच्छे से मिक्स नहीं होती तो ये रेड स्पॉट आ जाते हैं। तो नो प्रॉब्लम एट ऑल, इट्स कॉमन। तो ये देखिए, पोरसनेस और सॉफ्टनेस आप देख ही सकते हो कितनी अच्छी बनी है। तो इसे हम और ट्विस्ट देंगे ताकि बच्चे इसे अच्छे से पसंद करें और टिफ़िन में जो है बड़ा मज़ा लेके खाएं। तो चलिए, ये सब मैं निकाल देती हूँ और इसे एक ट्विस्ट देंगे। ट्विस्ट देने के लिए एक फ्लैट पैन में आप घी लीजिए 1 टेबल स्पून, उसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए, थोड़ा जीरा डाल दीजिए, और इडली जो है हमने निकाली थी वो सारी इडली यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दीजिए आप, कुछ इस तरीके से। इसे लाइटली शैलो फ्राई करना है आपको, ज़्यादा फ्राई करना नहीं है, ठीक है। जस्ट कलर, जस्ट हम इसे पोड़ी इडली जैसे बनाते हैं ना उसको, उस तरीके से आपको बनाना है। ये मैंने एक कोकोनट डाला है, वो भी कच्चा, बहुत अच्छा स्वीट टेस्ट देता है। इडली खाते वक्त बहुत मज़ा आता है, आप बना के देखिए। और इसे मैं नारियल के चटनी के साथ सर्व करूँगी। दिखने में ही कितनी सुंदर लगेगी, तो खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो चलिए, ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।